बीएसएफ जवान तेज बहादुर के आरोप के बाद पैरामिलिट्री फोर्स से दो और जवानों ने अपना अपना दर्द बयां किया। और अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह का है और उनका आरोप है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये डालना, इसमें प्याज है ना, लहसुन अदरक। कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले। बीएसएफ जवान तेज बहादुर की वीडियो के बाद एक और वीडियो। दोस्तों, मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान जीत सिंह का वीडियो। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे। सीआरपीएफ जवान जीत सिंह ने पीएम मोदी से पूछे सवाल। माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियाँ मिलती है। सेना के जवानों को मिलती है हर सुविधा, सीआरपीएफ जवानों से भेदभाव क्यों? आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं, भेदभाव क्यों? गोली वर्दी का रंग नहीं जानती, फिर कैंटीन और मेडिकल सुविधा सीआरपीएफ को क्यों नहीं? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं, कोई भी सरकार हमारी हालत। तेज बहादुर यादव की आप बीती वाले वीडियो पर पूरा देश हैरान है। हैरानी इस बात की कि कैसे देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पर गोली खाने वाले जवान को ये देश दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है। बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद जवान भूखे पेट हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं और वक्त की उन पर ऐसी मार पड़ती है कि भरपेट भोजन के लिए, कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें बिलखना पड़ता है। इस तरह के वीडियो देश के सामने रखने पड़ते हैं, जैसे बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव और मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने रखे। दोस्तों, मैं कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं, भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हमारा मकसद सीआरपीएफ के एक जवान की आवाज आप तक पहुंचाने का है। जीत सिंह का कहना है कि कुछ बुनियादी सुविधाओं का उन्हें भी हक है जो सेना के जवानों को दी जाती है। सेवंथ पे कमीशन में हमने इसके बारे में उठाया है और व्हाटएवर गवर्नमेंट हैज गिवन दे हैव सॉल्वड द प्रॉब्लम। जीत सिंह ने ये वीडियो कब और कहां बनाया पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है, इसलिए एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते जीत सिंह की परेशानी का सच जानने के लिए हम उनके परिवार के बीच पहुंच गए। माँ हो या उनके भाई, जीत सिंह की मांग को वो जायज मानते हैं। मानते हैं कि सीआरपीएफ जवानों को भी सेना के जवानों की तरह ही सुविधा मिले। हमारे लिए बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आर्मी के लिए है सुविधाएं, ये सब सुविधा होनी चाहिए इसी के इसी नौकरी में। और माँ बाप जब बीमार रह जाए तो उनके लिए मेडिकल नहीं है। जीत सिंह द्वारा जो मांगे रखी गई हैं वो बिल्कुल जायज हैं। सीआरपीएफ के जवान भारत के सभी संवेदनशील एरियाओं में ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी भारत आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी अंतर है। इनके लिए पेंशन की सुविधा मुख्य तौर से नहीं है, वो इनके लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। अफसर जवानों की परेशानियों से वाकिफ तो हैं, लेकिन शायद इतने गंभीर नहीं। कहते हैं कि बेटर लाइफ तो हर किसी की तमन्ना है। हर एक आदमी अपने अपने बेटरमेंट के लिए मांगता है, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। ये तस्वीर उस खत की है जिसे बीएसएफ के एक और जवान ने एक महीने पहले ही देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा था। बीएसएफ जवान विनोद कुमार गोस्वामी ने अपने खत में बीएसएफ जवानों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जवानों के असंतोष के मामलों पर सरकार बेहद संवेदनशील है। ऑलरेडी खाने पीने में कुछ और भी कदम उठाना चाहिए, वो प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है।
और कोई ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए कमिटियां जो बनाना है ऑफिसर्स के लेवल में, फोर्सेस के लेवल में, वो भी पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तेज बहादुर यादव मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद तो जीत सिंह और विनोद कुमार गोस्वामी को भी होगी कि उनकी शिकायत भी दूर की जाएगी, उनकी आवाज भी सुनी जाएगी। मथुरा से विपेंद्र सिंह और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने सुना, एक जवान बीएसएफ में भ्रष्टाचार से परेशान है तो दूसरा जवान है वो पैरामिलिट्री फोर्स से भेदभाव से परेशान है। अब आपको देश के अलग अलग शहरों से जनता की राय हम सुनवाते हैं जो जवानों के हक की लड़ाई में सच के साथ खड़े। उसने अगर जैसे वीडियो डाली है तो कुछ सोच के ही डाला होगा, तो सरकार को उसने ये सोच के डाला होगा कि ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे। अगर इस तरह का खाना उन लोगों को दिया जा रहा है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के सैनिकों के लिए, तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वास्तव में सच्चाई है और उनको रेगुलर ऐसा हो सकता है एक दिन दो दिन लेट हो गया क्योंकि काफ़ी दूर है, बॉर्डर पर है, वो खाना नहीं पहुँच पाया, बर्फ़ पड़ रही है। और सोल्जर जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस पर्सन की डॉटर हूँ और मैंने ये सब चीज़ें स्थिति देखी भी हैं, क्योंकि मैस के खाने मैंने भी देखे हैं। तो हाँ, जहाँ तक है ये बहुत सच भी है कि उन्हें एक प्रॉपर जो मील होता है वो नहीं मिलता है। ये अपने देश का सवाल है। पहली बार आज हम जो सुरक्षित है इसका कारण है देश का जवान, और दूसरा कारण है देश का शेतकरी बड़ी राजा। तो इनके साथ जो हो गया सैनिक के साथ वो वीडियो मैंने देखा, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना मांगता है, क्योंकि वो दिन रात अपना जान खतरे में डालकर अपना संरक्षण करते उसके बारे में तो ऐसा नहीं होना मांगता है। ये गलत बात है, वो अपना देश के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे सीएम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने के लिए कर, अपने लिए कर रहे हैं, बराबर। तो उनको खाना नहीं मिल रहा है बहुत गलत बात है। अभी रास्ते पे चला उसको खाना हम लोग देते चलते, पर उसको हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे? नहीं, बहुत गलत है जो भी है। जवान जो है एक्चुअली फर्स्ट उनको सर्वे होना चाहिए, जाके पॉलिटिशियन को जो पे करते हैं आप देखते हो पार्लियामेंट वगैरह जो कैंटीन है वो फाइव स्टार खाना खाते हैं अदर कंपनसेशन रेट, लेकिन आप देखें तो जवान को अच्छा खाना मिलना चाहिए, उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देखिए, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है कुछ भी होता है या खाना या कुछ भी हो जाए जो फर्स्ट फैसिलिटीज है वो जवान को मिलनी चाहिए। तो दिख तो रहा है गंदा, और सीनियर्स बोल रहे हैं कि वो अल्कोहलिक है जो भी है, बट वो कैसे भी इंसान है उसको तो अच्छा खाना मिलना ही चाहिए। वो अल्कोहल तो नहीं मांग रहा है, वो तो खाना ही मांग रहा है बेचारा, तो मिलना ही चाहिए अगर ये सच है तो। और जहाँ करप्शन है तो गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए।